अयोध्या के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राज्य के एक सुदूर गांव से एक फरियादी दरबार में हाजिर हुआ। उसने बताया कि उनके गांव में एक जादुई तालाब है। रात को उस तालाब से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कभी कभी अंधेरा छा जाता है। इससे ग्रामीण डरे हुए हैं और उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। राजा विक्रमादित्य को यह कहानी बड़ी रोमांचक लगी। उन्होंने फौरन अपने मंत्री बृहस्पति को आदेश दिया कि वह कुछ सैनिकों के साथ उस गांव जाए और जादुई तालाब की जांच करे। बृहस्पति राजा के आदेश का पालन करते हुए गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की और रात को तालाब के पास डेरा डाला। रात होते ही तालाब से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक अंधेरा छा गया और तालाब के बीचों बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी के पास जाने पर उन्हें एक खूबसूरत महिला खड़ी मिली। महिला ने बृहस्पति को बताया कि वह तालाब की रक्षक परी है और तालाब में छिपा हुआ एक अमूल्य रत्न उसकी रक्षा करता है। रात को चोर अक्सर रत्न चुराने की कोशिश करते हैं, इसलिए आवाजें आती हैं और अंधेरा छा जाता है। बृहस्पति को परी की बात सच लगी। उन्होंने वापस लौटकर राजा विक्रमादित्य को पूरी कहानी सुनाई। राजा ने सोचा कि रत्न को चोरों के हाथों नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसे परी की रक्षा का भी ध्यान रखना था। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य खुद कुछ सैनिकों के साथ उस गांव गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वह तालाब का जीर्णोद्धार करवाएंगे। मजदूरों को तालाब की सफाई करने का काम सौंपा गया। चोरों को लगा कि राजा रत्न चुराना चाहते हैं, इसलिए रात को हमला करने की उनकी योजना विफल हो गई। जब तालाब की सफाई हो गई तो राजा विक्रमादित्य ने तालाब के बीचों बीच एक मजबूत मंच बनवाया। मंच पर पहरे के लिए सैनिक तैनात किए गए। रात को परी हमेशा की तरह तालाब के बीच में रोशनी के साथ दिखाई दी, मगर इस बार चोरों का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने तालाब के किनारे एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। मंदिर बनने के बाद परी राजा विक्रमादित्य के सामने उपस्थित हुई और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने बताया कि चोरों का डर खत्म हो चुका है और अब वह तालाब की रक्षा आसानी से कर सकती है। राजा विक्रमादित्य ने परी से अनुमति लेकर तालाब के किनारे ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया जो परी को समर्पित था। इसके बाद उन्होंने गांव में सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और न्यायप्रियता से बहुत खुश हुए। इस कहानी से राजा विक्रमादित्य की चतुराई और उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का पता चलता है। उन्होंने न सिर्फ गांव की रक्षा की, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया।